हेलो एवरीवन, जाट म्यूजिक में आपका एक बार फिर स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और हम आज रेडी हैं अपना सियाचिन बेस कैंप के लिए। और हम होम स्टे में रुके थे, एंसा व्यू होम स्टे। और ये हमारी पहले गाड़ी जा रही है, ये अपने कपिल भाई रेडी है। और ये अंकल का होम स्टे था। हेलो कर लो। बहुत ही बढ़िया इन्होंने खाना खिलाया हमारे को, जो लोकल यहाँ का बढ़िया था। और रात को भी बढ़िया खाना मिला और सोने का भी बढ़िया इंतजाम है इनका। ऐसा व्यू होम स्टे है, ये पैनामिक है ना जगह? हाँ, पैनामिक में है और ऑन रोड ही है। अगर आप आएँ तो यहाँ पे रुक सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है इनका। तो ये आंटी है हमारी तो बस रेडी हैं, निकलते हैं सीधा अपना सियाचिन बेस कैंप। वहाँ से फिर चलेंगे अपना तुरतुक। आज का स्टे हमारा है तुरतुक, तो रास्ते में बात करते चलेंगे। तो मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो गाइस वी आर रेडी टू राइड। अच्छा आंटी बाय। अच्छा सर, ऐसा व्यू होम स्टे जो गाइस सियाचिन बेस है उसकी जो अल्टीट्यूड हाइट है वो 12,000 फीट पे है। और अभी ये जो वेदर हमने देखा है वो रहेगा 4 डिग्री तक, और रात को हो जाता है 0 और 1 डिग्री। और जो जहाँ पे हमारी पोस्टें हैं, जो सबसे हाई अल्टीट्यूड पे जो हमारी सियाचिन पे पोस्ट है वो है 12,500 फीट पे। एक है 12,000 पे, एक है 11,500 पे। तो ये 3-4 पोस्टें हैं जो हाई अल्टीट्यूड पे हैं वर्ल्ड की। और इसका जो खर्च आता है, जो मैंने पढ़ा है, लगभग 5 करोड़ रुपये पर डे का खर्चा है इन पोस्टों को मेंटेन करने का। और जितने भी सोल्जर वहाँ पे तैनात हैं वो सारे ट्रेंड होते हैं। पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और पूरे सियाचिन पे इंडिया का कब्जा है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर। कल हम ससोमा तक गए थे। आगे आने वाला गांव ससोमा है जो 8 किलोमीटर और रह गया है। कल हम 15 किलोमीटर आगे गए थे, फिर 15 किलोमीटर फिर पीछे आए। ससोमा के पास चेक पोस्ट है, वहाँ पे भाई ने बोला कि भाई 4 बजे तक एंट्री है सिर्फ, और सुबह 7:30 से 4 बजे तक, उसके बाद नहीं है। तो फिर हमें वहाँ ससोमा में फिर रहने की जगह नहीं मिली। जितने भी अच्छे होम स्टे हैं पैनामिक में हैं पीछे जहाँ हम रुके हैं, बहुत सारे होम स्टे ऑप्शन हैं वहाँ पे। तो फिर वापस गए, 1 घंटा हमारा ख़राब हो गया ऐसे ससोमा 7। और ये व्यू देख लीजिए, ब्यूटीफुल सियाचिन थ्रेड मास्टर। वाओ, आयरन ब्रिज। जो मेन बेस कैंप है वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग सेंटर है, सोल्जर को पूरा प्रिपेयर किया जाता है और पोस्ट पे जाने से पहले, क्योंकि सियाचिन पे सिर्फ 10% ऑक्सीजन है। बड़ा मुश्किल है। हम 19,000 पे गए थे मिंगला पे, हमारी तो 10-15 मिनट में ही हालत ख़राब हो गई थी। फटाफट हमने फोटोग्राफी की और नीचे भागे, फिर तब जाके थोड़ा फ़र्क पड़ा था। मेरे तो हेडेक शुरू हो गया था। ये फ़र्क होता है हाइट पे। तो ये देखिए माउंटेंस, लद्दाख की माउंटेन, ये अलग ही है बिल्कुल। वार से 6 किलोमीटर। वाओ, बिल्कुल खड़ी माउंटेन है, सिंगल सिंगल फॉर्मेशन में। और सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल सामने ऊपर, लेकिन आज बादल छाए हुए हैं, शायद नज़र नहीं आएगा, नहीं तो सामने नज़र आता है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये वारसी विलेज आ गया था जिसको हमने क्रॉस करा है। ये नया ब्रिज बन रहा है लग रहा है। ये ट्रक भाई क्यों अटक गया वारसी। अभी 18 किलोमीटर दिखा रहा था पीछे माइलस्टोन बेस कैंप का, लेकिन मुझे लग रहा है उससे पहले ही जो वार मेमोरियल है वहाँ तक हमें जाने दिया जाएगा। ट्रक भाई, जान
जाने दे जाने दो जाने दो। तो हम आगे हैं रिवर लेवल पे, बिल्कुल शायक रिवर के बिल्कुल लेवल पे आ गए हैं। और अगर बारिशों में तो मुझे लगता है ये रास्ता बंद हो जाता होगा बिल्कुल, क्योंकि पानी ज़्यादा भरने से ये सड़क में पानी आ जाएगा और डूब जाएगी सड़कें भी। बिल्कुल लेवल पे चल रहे हैं, ये है शायक। ऊपर देखो स्नोई माउंटेन, लाखों साल पुरानी ये माउंटेन्स है, द हिमालयन रेंज। गाइस ये सामने है सियाचिन बेस कैंप, ये सामने नज़र आ रहा है, और ये सियाचिन का ग्लेशियर सामने नज़र आता है, लेकिन आज बादलों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आती है सियाचिन ग्लेशियर की। ये चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, आज मौसम थोड़ा ख़राब है जिसकी वजह से हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लगभग पहुँच गए हैं बेस कैंप पे, सियाचिन बेस कैंप 2 किलोमीटर है यहाँ से। ये सामने जितने भी ये बंकर्स नज़र आ रहे हैं ये सभी अपना आर्मी के हैं ये सारे। वेलकम टू द सियाचिन बेस कैंप। कर लेते तो हम पहुंच गए हैं सियाचिन बेस कैंप, ये है वॉर मेमोरियल, इनको भी देखेंगे। आगे एक मंदिर है, मंदिर तक अलाउ है हमें जाना। और द लैंड बिलोंग्स टू CID लद्दाख, आई लव सियाचिन। तो बस वो लास्ट है मंदिर। मंदिर तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। फिर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये सियाचिन। तो बस ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे नहीं जा सकते। ओपी बाबा, ओपी बाबा टेंपल। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच गए हैं सियाचिन बेस कैंप पे, और उधर से लगभग 100 किलोमीटर होगा, मोर देन 100, लेकिन हम रुके थे पैनामिक में, वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है। तो हमें भी लगभग 1.5-2 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में, और हाफ एन आवर में हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर निकलेंगे। और यहाँ से मैं सियाचिन ग्लेशियर दिखा देता हूँ आपको, वो वाइट वाइट आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, वो वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर शुरू हो जाता है। और ये पूरा सियाचिन के पहाड़ है, लेकिन बादल आ गए हैं इस वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और ये ओपी बाबा का टेंपल है, और इनकी भी एक स्टोरी है कि जब पेट्रोलिंग पे थे यहाँ सियाचिन में, तो इन पे अटैक हुआ था, तो इन्होंने अपने अकेले दम पे पूरी पेट्रोलिंग, अपनी मतलब की पेट्रोलिंग पार्टी को बचाया था, लेकिन इनका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। कहते हैं कि महीने में एक हफ्ता ये नीचे उतरते हैं, फिर एक हफ्ते बाद ये चले जाते हैं और पूरे बटालियन की, पूरी आर्मी की रक्षा करते हैं। तो उनकी याद में ये मंदिर बनाया गया है, सामने दिख रहा है ओपी मंदिर, ये ब्रिज क्रॉस करके। और ये सारा कैंप है हमारा, और ये सियाचिन के पहाड़ और सियाचिन ग्लेशियर। हम हैं अभी सियाचिन व्यू पॉइंट पे, वहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं, आई लव सियाचिन। और ये स्नो बोट है, ये डिस्प्ले पे लगा रखी है, और वो है वार मेमोरियल सामने है। और आखिर में हम देखने आए हैं वार मेमोरियल, ये इनका एंट्री स्टेयर्स हैं ये देखिए। और जितने भी सोल्जर शहीद हुए हैं उन सभी के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, और जो जो सियाचिन में आर्मी है उन सभी के फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए अमर जवान ज्योति। वी सल्यूट टू ऑल आवर ब्रेव सोल्जर्स, जय हिंद। अभी हम 12,000 फुट पे हैं, तो बस अब निकलते हैं, मोर देन हाफ एन आवर हो गया मैं यहाँ पे, अब जाना है हमें तुरतुक। सियाचिन ग्लेशियर देखकर हम वापसी चल पड़े हैं, सबसे पहले हुंदर की तरफ, और हुंदर से फिर तुरतुक को निकल जाएंगे।
यहाँ से लगभग अभी भी 70-80 किलोमीटर है हुंदर, और ये सामने बिल्कुल माउंटेन के लास्ट में जाना है, पूरी माउंटेन को क्रॉस करके। तो गाइस ये है पेनामिक विलेज जहाँ हम रुके थे कल। हम स्टार्टिंग में रुके थे और 2019 से पहले आप जितने भी टूरिस्ट थे सिर्फ पेनामिक विलेज तक ही आ सकते थे। उसके बाद जो सियाचिन बेस खुला है वो 2019 में खुला है, तो यहाँ पे बहुत सारे होमस्टे मिलेंगे। अगर आप रुकना चाहें तो डायरेक्ट आके पेनामिक में रुक सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम खल्सर के पहले जो पेट्रोल पंप है वहाँ पहुँचने वाले हैं, और मेरा फ्यूल भी लगभग ख़त्म होने वाला है। ब्लिंक कर रही है लास्ट जो पॉइंट है रेड में, और हमने भरवाया था तांगसे में। तांगसे के बाद हम अपना सियाचिन बेस भी कराए और वापसी आ गए हैं। खल्सर 11 है तो 6 किलोमीटर पहले, मतलब 5 किलोमीटर रह गया जो पेट्रोल पंप है, जहाँ डिस्किट के लिए मोड़ कटता है उंदर डिस्किट, वहाँ पे पेट्रोल पंप है। वहाँ से बस अब फ्यूल करवाएंगे पूरा और फिर चलेंगे तुरतुक को। 2 बज गए हैं अभी, हमारी गाड़ी तो बहुत पीछे है। तो 101 किलोमीटर ढाबे पे हमारा लंच हो गया है, राजमा चावल, एग करी एंड चपाती। तो ये स्तूपास, वो सामने पेट्रोल पंप,